वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। समर्स आ चुकी हैं और सबके क्वेश्चन हैं कि सुगम समर स्पेशल डाइट प्लान कहाँ है, समर स्पेशल ड्रिंक कहाँ है, सारी चीज़ें कहाँ हैं। बिकॉज वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, जैसा कि मैंने बोला कि मेरे वीडियो थोड़ा सा कंटिन्यू नहीं हो पा रहे, वो भी होंगे और मान के चले अब हो गए हैं डेली बेसिस पे। तो चैनल अगर अनसब्सक्राइब हो गया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं उन सबको शुक्रिया, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करके जाना जो नीचे रेड बटन है। इसी तरह की बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगे, साथ ही साथ शॉर्ट्स भी आते हैं डेली बेसिस पे जिसमें मैं बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स रिव्यू करती हूँ और सारी चीज़ें करती हूँ। फिलहाल आज के टॉपिक पे है कि मैं आपको देखूंगी इस वीडियो में, मैं समर ड्रिंक तो आपको जरूर देने वाली हूँ, साथ ही साथ डाइट भी मैं जरूर इसमें ऐड कर लूंगी, पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन समर ड्रिंक जरूर है और कुछ नहीं होगा तो लंच और ब्रेकफास्ट तो जरूर ऐड करूंगी, अगर हो सकेगा तो डिनर भी ऐड करूंगी। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिना बिल्कुल भी मत जाना। तो चलिए दिखाती हूँ आज का। सो फ्रेंड्स, यहाँ में मैं फर्स्ट ड्रिंक उन लोगों के लिए है स्पेशली जिनका पेट काफ़ी गर्म रहता है, बॉडी काफ़ी गर्म रहती है, तो जौ लेना है 2 टेबल स्पून और उसे जस्ट लाइक चाय की तरह बॉयल करना अच्छे से जब तक ये आधा ना हो जाए। और ये ब्लड हाई ब्लड प्रेशर को लो करता है, हड्डियों के लिए काफ़ी फायदेमंद है, साथ ही साथ वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, पेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना उन सबको सही करता है। और जैसे मैंने बोला, बॉडी जिनकी गर्म है रहती है, पेट गर्म रहता है, उनके लिए सबसे बेस्ट ड्रिंक है ये, आपको सुबह सुबह लेना है। साथ ही साथ वीडियो में फुल व्लॉग अभी आगे शेयर करूँगी किस तरह से मैं अपनी रूटीन फुल डे कंटिन्यू करती हूँ जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प हो। तो एक ये ड्रिंक है, साथ ही साथ जिनको किसी भी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए एक आगे मॉर्निंग ड्रिंक मैंने दिया हुआ है। और जो कि बहुत यम है, जब भी आप एक्सट्रीम वेट लॉस डाइट पे हो तो आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए डिटॉक्स का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप करेले का जूस लो मॉर्निंग में, 3 करेले का जूस इनफ है आपकी बॉडी के लिए। सुबह के 6:30 बज गया, आज योगा करने का बिल्कुल भी मन नहीं था तो मैंने हाफ एन आवर 45 मिनट्स की वॉक ले ली थी। अभी मैं आपको दिखाऊँगी इस 45 मिनट की वॉक में कितनी कैलोरीज बर्न की है और कितने किलोमीटर्स चली हूँ, वो सारी चीज़ें। और सुबह सुबह की जो आवाज़ होती है ना चिड़िया की जब कानों में पड़ती है, बहुत अच्छा लगता है। मौसम बहुत अच्छा था, बारिश का मौसम था, इसीलिए मैं ऊपर वॉक करने आ गई। आफ्टर वॉक आप देख सकते हैं फेस तो ग्लो करता ही करता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। और मैं भी आपको दिखाती हूँ, मान के चलिए 100-120 आपकी कैलोरीज हाफ एन आवर एंड 45 मिनट्स में बर्न हो जाते हैं नॉर्मल वॉक करने से। और एक समोसा खाते हैं तो 250 कैलोरी आपको मिलती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर एक समोसा खा रहे हैं तो नेक्स्ट डे आप 1 से 1.5 घंटा वॉक करेंगे तब वो डाइजेस्ट होगा। तो इसलिए ध्यान रख के अपनी डाइट फॉलो करिए, और अगर समोसा खा रहे हैं तो नेक्स्ट डे आराम से 1 आवर की वॉक करिए। चलिए दिखाती हूँ कि कितनी मैंने कैलोरीज बर्न की है, कितना वॉक किया है, कितने किलोमीटर और कितने स्टेप्स हैं। स्टेप्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि 5798 यानी 5798 मैंने यहाँ पे स्टेप्स कंप्लीट किए हैं। और अगर किलोमीटर की बात करूं तो 4 किलोमीटर के लगभग मैं चल चुकी हूँ और मुझे फुल डे में 10 किलोमीटर चलना होता है। डेली बेसिस में 400 कैलोरीज बर्न करती हूँ और अभी मॉर्निंग में मैंने 121 कैलोरीज बर्न कर ली है। तो अभी फुल डे पड़ा हुआ है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बर्न करनी है। अभी मैं डांस क्लासेस जाऊँगी, वॉक करते हुए जाती हूँ, स्नो स्कूटी नो कार वॉक करते हुए जाती हूँ जिससे कि कैलोरीज बर्न होती है और मेरा फुल डे का टारगेट जो है कम्प्लीट हो जाता है। उठती हूँ सुबह 4:30 बजे, सबको ऑफिस एंड बच्चों का स्कूल सब भेज के देन उसके बाद अपनी वॉक कम्प्लीट करती हूँ। अब कुछ फेस का करूँगी, देन नहाऊँगी, फिर ब्रेकफास्ट करूँगी, देन उसके बाद डांस क्लासेस जाऊँगी। इस तरह से मैं 3 बजे तक फुली एक्टिव रहती हूँ। जब डांस क्लासेस से आऊँगी आप लोगों के ऑर्डर्स देखूँगी, यानी ऑफिस जाऊँगी 2 से 3 घंटे के लिए मोस्टली, और वहाँ पर सारे ऑर्डर्स का स्टेटस देख के घर आ जाऊँगी। फिर उसके बाद इवनिंग में वीडियो शूट करने रहते हैं, शूटिंग रहती है, वो सारी चीज़ें करने के बाद रात में 10 बजे बिस्तर पे जाती हूँ। मतलब सुबह 4:30 बजे उठने के बाद रात में 10 बजे बिस्तर पे जाती हूँ, उसके बीच में नो रेस्ट। मतलब
फुल डे का भी हैट्रिक रहता है, लेकिन हाँ कैलोरीज भी बर्न होती रहती है। एक्टिव कैलोरीज काउंट करिएगा, जैसे कि अब मैं ये वॉच उतार दूँगी, मैं नॉर्मली जो घर में काम करती हूँ उसकी कैलोरीज या उसका वॉक नहीं लेती हूँ, ये वॉच उतार दूँगी। देन उसके बाद जब अभी मैं वॉक करते हुए अपनी डांस क्लासेस जाऊँगी तब मैं नॉर्मली ये वॉच पहन लूँगी। मतलब मैं एक्टिव कैलोरीज काउंट करती हूँ, नॉर्मल वाली कैलोरीज 400 बिल्कुल भी काउंट नहीं करती हूँ। तो ये जो 400 कैलोरीज हैं ये मेरी एक्टिव कैलोरीज बर्न होती हैं। तो थोड़ी सी फेस्टिवल की तैयारी के लिए कर ली है स्किन केयर रूटीन। यहाँ पे मैंने बेसन अप्लाई किया हुआ है और फिर यहाँ पे मैं अच्छे से मतलब फ्रेश होके आ गई हूँ और अब चलते हैं खाना बनाने किचन में। और नहाने से पहले ही मैंने दाल और चावल एक कुकर में चढ़ा दिया था। मतलब ये है टाइम मैनेजमेंट, इससे टाइम बहुत सेव होता है। और ब्रेकफास्ट में मैंने लिया है वेजिटेबल सैंडविच, और ये देखिए वेजिटेबल सैंडविच है, जो भी वेजिटेबल्स हैं, और थोड़ी सी चटनी और चाय शुगर फ्री। और ये मैं खा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट जो कि बहुत ही। एक बात बताऊँ, जब आप सुबह हेल्दी नाश्ता करते हैं और बहुत हेल्दी लाइफ स्टाइल जीते हैं तो कहीं ना कहीं आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर नहीं एक बार ट्राई करो, सिर्फ 1 वीक ट्राई करना, और ट्रस्ट मी आप बहुत हेल्दी लाइफ जीने लगोगे सिर्फ 1 वीक। अगर आपने बहुत ज़्यादा अभी नॉन रूटीन लाइफ जी रहे हो, कोई रूटीन नहीं है, उठने का कोई टाइम नहीं है, तो एक बार रूटीन सिर्फ 1 वीक मेरे कहने से 1 वीक रूटीन वाली डाइट फॉलो करो। आप 7:30 बजे उठते हो नो प्रॉब्लम, मत 4:30 बजे उठो, 7:30 बजे उठते हो, लेकिन 7:30 बजे उठने के बाद आपको रूटीन वाली डाइट बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। और मैं खा रही हूँ 1 सैंडविच जो कि बहुत यम है। हाय फ्रेंड्स, जस्ट अभी एंटर हुई हूँ घर में, इतनी गर्मी है कि आप देख सकते हैं मेरे पसीने से, मतलब बहुत गर्मी है बाहर। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने किलोमीटर चली हूँ, मतलब चली गया हूँ, टोटल कितना किलोमीटर हुआ है और कितनी कैलोरीज बर्न की है। सो हमारा किलोमीटर हो गया है 17,737, किलोमीटर हो गया है 12, मतलब लगभग 12.5 किलोमीटर, और कैलोरीज हो गई हैं 494, लगभग 500, जबकि मेरा टारगेट रोज़ का 400 रहता है। दिखाऊंगी कि लंच क्या लेना है, बिकॉज़ ये एक्सट्रीम डाइट फॉलो का प्लान है, तो किस तरह से आप इस रक्षाबंधन एक्सट्रीम वेट लॉस कर सकते हो, तो चलिए दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने खाने से पहले लिया है बहुत लाइट सा गुनगुना पानी, मतलब जिसे हम टैप वाटर भी बोल सकते हैं वो, और उसमें डाला है मैंने एक लेमन। इसको लेने के 15 से 20 मिनट बाद ही मैं जो है लंच लेना स्टार्ट करूँगी। तो लेमन वाटर लेने के बाद मैं आ गई थी किचन में, सारी प्रिपरेशन हो ही चुकी थी, हमारी बेड ने आगे सारी प्रिपरेशन कर दी थी, सारी वेजिटेबल्स कट करके रख दी थी, जस्ट लाइक शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, टमाटर, जो भी वेजिटेबल्स है वो आप ले लो। आज मैं स्टील कट ओट्स की जो है 1 मील प्लेट ले रही हूँ, और इसकी फुल रेसिपी भी जस्ट मैं यहाँ शेयर कर दे रही हूँ, वरना इसका एक सेपरेट वीडियो भी है स्टील कट ओट्स का। तो ओट्स बहुत बेनिफिशियल है आपके वेट लॉस में, आपको एनर्जी देने में, और फाइबर बहुत होता है, मैंने इसमें वेजिटेबल्स भी डाला है। तो ये मैं बोल रही हूँ कि फ़ाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है स्टील कट ओट्स की। खिचड़ी आप तहरी भी इसे बोल सकते हैं, आप इसमें एक आलू भी कट कट के डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने फटाफट एक सीटी लगाई तो 20 से 25 मिनट मेरा ये बन गया। जितनी देर में लेमन वाटर अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ, उसने एक्सेस वाटर बॉडी से निकाला और एक रिफ्रेशमेंट सा दिया जो मैं बाहर से धूप से होके आई थी, उतनी देर में मेरी यहाँ पे 1 से 2 सीटी आ गई, ये बनके रेडी भी हो गया। तो मैंने मोस्टली अपना लंच भी 1 से 1.5 बजे तक फिनिश कर लिया, जो कि 1.5 बजे के बाद कभी भी लंच नहीं करना चाहिए। ये ट्राई करो कि 1.5 बजे के बाद लंच मत करो, बहुत हद है 2 बजे तक आप कर लो। तो आप देख सकते हैं बहुत यम है। और जो लोग ओट्स, नॉर्मल ओट्स खाना नहीं प्रेफर करते हैं वो स्टील कट ओट्स खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी वैसा चिपचिपा वाला नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है प्लेट में, इसे प्लेटिंग कर ली है, और जस्ट लाइक दाल चावल की तरह लगता है, जिसमें आप बहुत ढेर सारा सैलड मिला लेते हो, जो वेजिटेबल्स डालते हो। आप चाहें तो इसमें 1/2 टेबल स्पून देसी घी भी डाल सकते हो, और थोड़े से अलसी के दाने भी इसमें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरा लंच हो गया था। इवनिंग में मैंने लिया भुट्टा, जो कि इस बरसात का सबसे मतलब यम सा फूड है, और रात में मैंने लिया पपाया। रात आते आते मैं अपनी मील्स को बहुत कट डाउन करती जाती हूँ, जिस दिन मुझे पपाया खाने का मन नहीं होता है उस दिन मैं ले लेती हूँ पाइनएप्पल की 3 स्लाइस, लेकिन हाँ इससे ऊपर मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाती हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा लूँ। सो फ्रेंड्स, कल मैं जो है वीडियो को एंड नहीं कर पाई, और आप लोग के साथ मैंने फुल डे जो शेयर किया, रात में क्या खाया, इवनिंग में क्या लिया, सारी चीज़ें शेयर की, और सीजनल चीज़ें शेयर की जो इस समय मार्केट में ईजिली मिल जाती हैं। और ये है नेक्स्ट डे, सुबह का बज रहा है 6:30, मीन्स स्कूल जाने वाले स्कूल
चले गए, ऑफिस जाने वाले ऑफिस चले गए और मेरा भी मोस्टली काम हो गया है। तो अब मुझे करना है योगा। योगा मैट पे आ चुकी हूँ अपनी, योगा करूँगी। 45 मिनट्स तक मुझे योगा करना है, देन उसके बाद फिर अपने नेक्स्ट काम में लगूँगी। मीन्स नहाते नहाते मुझे 8:30 बज जाएगा, देन उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। तो ब्रेकफास्ट कल मैंने आप लोग के साथ वीडियो में शेयर कर दिया था, तो वीडियो जरा सभी अच्छा लगा। सारी चीज़ें करते रहेंगे तो आप बहुत अच्छे से वेट लॉस करोगे, बहुत हेल्दी वे में वेट लॉस करोगे। स्किन का ग्लो बिल्कुल भी आपके नहीं जाएगा, हेयर्स आपके काफ़ी शाइन रहेंगे और टैंगल फ्री हमेशा रहेंगे बिकॉज उसमें नरिशमेंट रहेगा। तो वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो अगेन तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल भी मत जाना। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।